और जीतने वाले और हारने वाले सबके लिए कुछ न कुछ वो सिखा कर जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया, वो आपके सामने है। और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा न रोजगार का ध्यान रखा। लगातार जो खबरें, आतंकवाद बढ़ने की खबरें, जम्मू रीजन तक में आतंकवादी हमले होने लगे, न आम नागरिक वहां सुरक्षित महसूस करता है, न पर्यटक महसूस करते हैं अपने आप को सुरक्षित। कश्मीरी पंडितों से जो वादे किए गए वो बिल्कुल भुला दिए गए पिछले 10 साल में। ये सब इन परिस्थितियों के बीच में कश्मीर, जम्मू कश्मीर में एक चुनाव हुआ, ऐतिहासिक चुनाव था, और जम्मू कश्मीर के वासिंदों ने एक स्पष्ट जनादेश दिया। जम्मू कश्मीर आज भी हम उसको राज्य ही मानते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया उन लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर को की इज्जत को रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जैसा कि हम आप सब जानते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाना अपने आप में अप्रत्याशित था। और जीतने वाले और हारने वाले सबके लिए कुछ न कुछ वो सिखा कर जाता है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक चुनाव हुआ, जिन परिस्थितियों में हुआ वो आपके सामने है। कैसे जम्मू कश्मीर को बेइज्जत किया गया, राज्य का दर्जा छीना गया, वो आपके सामने है। और कैसे केंद्र सरकार ने रूल बाय प्रॉक्सी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार, कैसे वहां के स्थानीय नागरिकों की न सुरक्षा का ध्यान रखा न रोजगार का ध्यान रखा। लगातार जो खबरें, आतंकवाद बढ़ने की खबरें, जम्मू रीजन तक में आतंकवादी हमले होने लगे, न आम नागरिक वहां सुरक्षित महसूस करता है,